मोदी 3.0 के एक महीने के भीतर 7 राज्यों की 13 सीट पर हुए उपचुनाव के नतीजों ने भाजपा आलाकमान की नींद उड़ा दी है। 13 सीट में से भाजपा महज 2 ही सीट जीत पाई। वहीं कांग्रेस और ममता बनर्जी के टीएमसी को चुनावी नतीजों ने ऑक्सीजन दे दी। वैसे उपचुनाव के नतीजों से भाजपा को कोई खास फर्क पड़ता नजर नहीं आ रहा, लेकिन चिंता इस बात की है कि आने वाले दिनों में 3 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। इनमें सबसे पहला और महत्वपूर्ण राज्य है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की सियासत में इस बार 3-3 गठबंधन चुनावी मैदान में होंगे। इस बार के लोकसभा चुनाव में भाजपा नीत एनडीए ने यहां खराब प्रदर्शन किया है, जबकि भाजपा के लिए महाराष्ट्र उन राज्यों में शामिल रहा है जहां पार्टी के लिए चुनावी नतीजे हमेशा बेहतर रहे हैं। हालांकि उनका ये पुराना प्रदर्शन पुरानी शिवसेना यानी उद्धव ठाकरे के साथ रहा, जिसे भाजपा ने तोड़ दिया। इसी तरह अजीत पवार के भाजपा के साथ आने के बाद शरद पवार की एनसीपी भी टूट चुकी है। तो इस तरह से पीएम मोदी के लिए महाराष्ट्र में पुराने प्रदर्शन को दोहरा पाना बड़ी चुनौती होगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में जिस तरह से सहानुभूति मिली है, चुनौती इसलिए भी क्योंकि लोकसभा की सीटों के लिहाज से महाराष्ट्र दूसरा बड़ा राज्य है। ऐसे में यहां की हार जीत राज्यसभा में भाजपा की संख्या पर भी असर डालेगी। बात करें दूसरे राज्य हरियाणा की, तो राजधानी दिल्ली से सटे हरियाणा में भी भाजपा की हालत काफी खराब है। लगातार 2 विधानसभा चुनाव जीतने वाली भाजपा की स्थिति यहां ठीक नहीं है। पिछले 2 लोकसभा चुनाव में यहां बीजेपी के पास सभी 10 सीट थी, जो इस चुनाव में 5 पर आकर सिमट गई यानी आधी हो गई। इस तरह हरियाणा की स्थिति भी भाजपा के लिए काफी चिंताजनक है। तीसरा और आखिरी राज्य है झारखंड, जहां बीजेपी के लिए कुछ उम्मीद है। हेमंत सोरेन पर भ्रष्टाचार के आरोप को पार्टी चुनावी मुद्दा बनाने की तैयारी कर रही है। उधर सितंबर से पहले जम्मू कश्मीर में भी चुनाव होने हैं, यहां भी बीजेपी के सामने बड़ी चुनौतियां खड़ी है। घाटी में बीजेपी की स्थिति को इस बात से ही समझा जा सकता है कि उन्होंने लोकसभा चुनाव में कश्मीर की 3 सीट पर अपने उम्मीदवार ही खड़े नहीं किए। लेकिन सवाल सिर्फ यही नहीं, बल्कि कश्मीर में बढ़ता आतंकवाद भी भाजपा के लिए बड़ा चैलेंज है। पिछले कुछ समय से घाटी में आतंकी घटनाएं बढ़ी है। चिंता की बात यह भी है कि ये घटनाएं उन इलाकों में हुई जहां से कभी आतंकियों को खदेड़ा जा चुका था। आतंकी हमलों में पिछले दिनों हमने कई जवानों को खोया है। जाहिर है विपक्ष भी इन घटनाओं को लेकर सरकार के खिलाफ मुखर है, जो कि पीएम मोदी और उनकी सरकार के लिए बड़ा चैलेंज है। इन सबसे इतर पीएम मोदी के लिए एक चुनौती युवाओं को लेकर भी है, कहीं युवा उनसे छिटक न जाए। लगातार पेपर लीक जैसे मामलों से देश का युवा परेशान है। नीट का प्रकरण अब भी अनसुलझा है। इसी तरह अग्निवीर का मुद्दा फिर से उछाल दिया गया है। युवा अग्निवीर से सहमत नहीं है, जबकि विपक्ष भी इस मुद्दे को खूब हवा दे रहा है। तो इस तरह के जो मुद्दे हैं, खासकर युवाओं से जुड़े, उन पर पीएम मोदी और उनकी सरकार को मजबूती से फैसला लेना होगा, वरना विपक्ष के 2 युवा यानी राहुल गांधी और अखिलेश यादव इन मुद्दों के साथ युवाओं को भी अपने पाले में कर लेंगे तो बड़ी बात नहीं होगी। पीएम के सामने 2 और चुनौतियां हैं, वो है महंगाई और बेरोजगारी। हाल के दिनों में हर जरूरी और रोजमर्रा के सामानों के दाम बढ़े हैं, फिर चाहे वो सब्जी की बात हो या फिर दाल और तेल की। इसी तरह बेरोजगारी के मुद्दे पर भी विपक्ष काफी आक्रामक है। लिहाजा पीएम को चाहिए कि आने वाले बजट में किस तरह से वो महंगाई कम करेंगे, बेरोजगारी के आंकड़ों में कैसे सुधार करेंगे, इसका खाका पेश करें और इस पर दुगुनी ताकत से काम करें। कुछ इसी तरह के वीडियो के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।